आ चुका हूँ सोनपुर मेला में, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं लाइन की कतार, जो कि ये लोग ग्रामीण पंचायती राज विभाग के स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, जो कि इनका उपदेश है साफ सफाई के प्रति जागरूक करना लोगों को और जागरूकता फैलाना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सरकार को मदद भी अच्छी खासी हो जा रही है साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के, जैसे कि नीतीश कुमार जी ने निकाला हुआ है लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत में आप लोग ब्लॉक के माध्यम से बहाली हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना श्रद्धा भाव से वर्क कीजिएगा। बाइक ले लीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। कहाँ के पर्यवेक्षक हैं? पर्यवेक्षक है संबलपुर मधवर्ती पंचायत सोनपुर प्रखंड। चलिए ठीक है। और आपका सर? मेरा नाम शमशाद हुआ और जी मैं संबलपुर मिडिल से पर्यवेक्षक हूँ, और जो सरकार का नई योजना आई है जी लोहिया स्वच्छ अभियान, उसमें बखूबी अपना काम जिम्मेवारी से निभा रहा हूँ। साफ सफाई का रख रखाव जितने भी पंचायत का है, गंदगी वो सब देख रेख मेरे। चलिए, और ये बताइए कि ये तो मेला कोरोना में 2 साल तक नहीं लगा था, तो कैसा अभी मेला लगा हुआ? काफ़ी लोगों के मन में उत्साह था कब मेला लगे, और इस बार काफ़ी लोगों ने, यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने मेहनत किया इस मेला को लगाने के लिए। जी जी बिल्कुल। और सारा जो बात जब बनी तो मेला लगा, और उसी उत्साह के साथ लोग भी आ रहे हैं, मेला का आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी भीड़ भी है, लगता है कि लोगों के बीच में कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। आप सब लोग भी हाय हेलो बोल दीजिए, पर्यवेक्षक हैं आप, एकदम वर्क ऐसा ही आप लोग करते रहिए। बाइक ले लीजिए। आप बताइए कहाँ के हैं पर्यवेक्षक? परमानंदपुर से हैं। मेरा नाम दीपू कुमार यादव हुआ। स्वच्छ लोहिया भारत की ओर हम अग्रसर हैं। मेला घूमने में अच्छा लग रहा है ना? मेला तो अब की 2 साल से अच्छा लग रहा है। अग्रसर है अजय सर, ये सबसे पुराने हैं, जितने भी जानकारियां चाहिए वो ये देंगे। बहुत ही पुराने इंचार्ज हैं। ठीक है सर।